Hello viewers, my name is Rohan and you are watching WWE Hindi News. तो गाइस WWE के सबसे बड़े पेपर व्यू यानी कि रेसलमेनिया में बस रह गया है कुछ ही महीनों का समय, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में कुछ बड़ी चीज़ों की जो कि हमें इस साल के रेसलमेनिया में भी दिखाई देने वाले। तो मैं बात कर रहा हूं इसमें अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल की। जैसे कि हमें देखने मिल रहा है रेसलमेनिया 30 से ही अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल हमें होती हुई दिखती है रेसलमेनिया 30 में। और WWE का ये भी कहना है कि जो इसमें जीता है उसे काफ़ी बड़ा पुश मिलता है अपने करियर में। जैसे कि हमें देखने को मिला रेसलमेनिया 30 में जब सिजारो ने जीत लिए थे अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल, तब से उन्हें काफ़ी पुश मिला और अब वो रॉ टैग टीम चैंपियन है। इसके बाद बात करते हैं रेसलमेनिया 31 पे, वहाँ बिग शो जीते और बैरन कॉर्बन जीते रेसलमेनिया 32 में, उन्हें भी काफ़ी बड़ा पुश मिला और वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बन गए। हाँ, हालांकि हमें ये देखने को मिला रेसलमेनिया 33 में जब मोजो रॉली जीते उन्हें उतना ज़्यादा पुश नहीं मिला क्योंकि वो ज़्यादा बढ़िया एथलीट भी नहीं। तो गाइस बात करते हैं इस साल रेसलमेनिया 34 की। यहाँ हमें एक बड़े सुपरस्टार के रिटर्न देखने के लिए मिल सकती है। तो मैं बात कर रहा हूँ इसमें द सुपर ह्यूमन द आइकॉनिक सुपरस्टार गोल्डबर्ग के बारे में। जैसा कि हमें देखने को मिला जब गोल्डबर्ग ने इस पिछले साल रिटर्न किया डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो उन्होंने यूनिवर्सल टाइटल जीते और ब्रॉक लेसनर को भी हराया सर्वाइवर सीरीज में। तो बात करते हैं इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 34 में अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल को काफ़ी स्पेशल इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि इस साल अंडर द जायंट को डेड को भी 25 साल पूरे हो चुके हैं और इसके 2 दिन बाद भी हमें देखने को मिलेगी अंडर द जायंट की एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री। तो यहाँ मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मूवमेंट को काफ़ी स्पेशल बनाना चाहती है और जिताना चाहती है गोल्डबर्ग को अंडर द जायंट मेमोरियल बैट। हालांकि मैं देखने के लिए मिल सकता है कि गोल्डबर्ग इसके बाद कोई भी मैच ना लड़े क्योंकि उनकी अब एज भी काफ़ी हो गई है और डब्ल्यूडब्ल्यूई अब ये भी कुछ कंफर्म नहीं कर सकती है कि अगला गोल्डबर्ग अपना मैच कब देंगे सिंगल में। तो गाइस ये थी कुछ बड़ी अपडेट दी आइकॉनिक सुपरस्टार गोल्डबर्ग के रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए आप देखना चाहते हैं गोल्डबर्ग का एक और मैच अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल में और वो जीते इस साल का बैटल रॉयल। तो गाइस चैनल के सब्सक्राइब बटन के साथ साथ उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर न्यूज़ रूमर्स अपडेट्स हिंदी में इसी तरह जानने को मिलते रहें। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।